जहां एक ओर शासन प्रशासन द्वारा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर आए दिन हंगामे हो रहे हैं, जहां मरीजों के परिजन और चिकित्सक स्टाफ के बीच आए दिन विवाद देखने को मिल रहा है। इसी बीच मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब रात में सीजर ऑपरेशन से एक स्वस्थ बेटी को जन्म देने के बाद सुबह 23 वर्षीय प्रसूता की मौत हो गई। अचानक नवविवाहिता की मौत होने पर वहां हंगामा सा मच गया। अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के परिजनों ने ड्यूटी महिला चिकित्सक पर मरीजों को नहीं देखने का आरोप लगाया। उधर बढ़ते हंगामे के बीच मृतक नवविवाहिता का बिना पीएम कराए ही उनके परिजनों को घर के लिए रवाना कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बिरसा के ग्राम गोवारी निवासी रविला का विवाह 2022 में बिरसा के रेलवाही निवासी कमलेश नेताम के साथ हुआ था, जहां सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर बिरसा रेलवाही निवासी 23 वर्षीय रविला नेताम को उसके पति कमलेश नेताम सहित अन्य परिजनों ने प्रसव के लिए बिरसा अस्पताल लाकर भर्ती किया था। बताया जा रहा है कि पहले तो बिरसा के चिकित्सकों ने उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा पेट में फंस गया था, जिसके चलते महिला की हालत खराब हो गई थी और जिसको देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया था, जहां आशा कार्यकर्ता के साथ उनके परिजन करीब 108 किलोमीटर का लंबा सफर कर शाम 6 बजे ट्रामा सेंटर पहुंचे और प्रसूता को प्रसव के लिए भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि नाजुक कंडीशन होने के बावजूद भी नवविवाहिता प्रसूता का ट्रामा सेंटर में तत्काल सीजर नहीं किया गया, बल्कि रात में सबसे आखिरी में रवीला को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जहां बड़े सीजर से उसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद प्रसूता की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे बार बार झटके आने लगे, जिसकी जानकारी उनके परिजनों और आशा कार्यकर्ता ने ट्रामा सेंटर के ड्यूटी स्टाफ को दी। ड्यूटी स्टाफ ने अपने स्तर से प्रसूता का उपचार किया, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर प्रसूता को देखने नहीं आई, जहां मंगलवार की सुबह प्रसूता की मौत हो गई, जिसको लेकर वहां हंगामा मच गया। वहीं जिला अस्पताल में नवविवाहिता प्रसूता की मौत के बाद मचे हंगामे को देख आनन फानन में मृतिका नवविवाहिता का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया और आनन फानन में शव वाहन देकर उन्हें घर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान देखने को यह भी आया कि एक शव वाहन क्रमांक MP50DA0472 में महिला का शव रख उनके परिजन बैठ गए, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिस पर स्थानीय कर्मचारियों और लोगों की मदद से धक्का देकर स्टार्ट कराया गया और उस वाहन से मृतिका और उनके परिजनों को घर तक पहुंचाया गया। पेशेंट को लेके आए थे जी, यहाँ आते चिकित्सक लोग राउंड पे या देखने के लिए मैडम लोग? नहीं, रात में तो कोई आई नहीं, तो वहाँ से अपने नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो जब से अच्छी थी बच्ची और अच्छे थे, जब से कोई नीचे आए नहीं देखने के लिए, ये लोग भी सब लोग कोई आई नहीं, आते ही नहीं देखने, नहीं आए थे नहीं ना, अब आते तो हम बोलते चलो भी आए देखने, कुछ भी नहीं, तो सबके साथ ही ऐसे किसी भी पेशेंट को नहीं देखे? ठीक है, आए थे रात में मैडम। यहाँ पर एक कि प्रसूता की मौत हुई है जानकारी है, तो मैडम आते नहीं क्या, कब से हो आप? कुछ नहीं पूछे,